आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी। उसके लिए मिक्सी के एक छोटा वाला ग्राइंडर ले लिए हैं। आइए आलू छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, कच्चे आलू है इसमें डाल देंगे। एक टमाटर लिए हैं, इसको भी काट लिए हैं छोटे टुकड़ों में, इसको डाल देंगे। एक छोटी कप हरी मटर लिए हैं, इसको इसी में डाल देंगे। तीन हरी मिर्च डाल देंगे। सात आठ कली लहसुन के लिए हैं, इसको डाल देंगे। एक छोटी कप हरी धनिया बारीक काट लिए हैं, इसको इसमें डाल देंगे। अब सबको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिए हैं कुछ इस तरीक़े से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें दो छोटी चम्मच तेल डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच राई डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 10 कढ़ी पत्ता को टुकड़ों में कर लिए हैं, इसको डाल देंगे। और इसको हल्का ब्राउन होने देते हैं, थोड़ा सा पैन को हिला देंगे। राई चटक गया है, जीरा भी हल्का ब्राउन हो गया है और कढ़ी पत्ता भी सुनहरा हो गया है। अब इसमें पीसी हुई स्टफिंग को डाल देंगे। अब इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके 2 मिनट तक ले भून लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो गया है भूनते हुए। अब इसमें कप से 1 कप पानी डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे। अब पानी में हल्का उबाल आने देते हैं चलाते हुए। अब छोटी कप से 1 कप सूजी लिए हैं, इसको डाल देंगे। इसको चलाते हुए 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीक़े से पका लेंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे, इसमें मिक्स करके 3 मिनट तक पकाएंगे। इसको अच्छे तरीक़े से मिला मिला के मोटा डो तैयार कर लेंगे। इसको 3 मिनट तक चलाते हुए और भून लेंगे। 3 मिनट हो गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए चलाने पर कैसे कढ़ाई छोड़ दे रहा है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे प्लेट में निकाल के। अब ठंडा हो गया है, अब इसको 2 मिनट तक अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे, ऐसे कर कर के हाथों से गूँथ लेंगे। इसको 2 मिनट मसल लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और एक बाउल में तेल लिए हैं, इस पे गिरा देंगे। इसको चारों तरफ फैला लेंगे और इसी पे अपने डो के रखेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ पे तेल लेके गिरा लेंगे। इसको गोल आकार के शेप देंगे। इसको बिल्कुल गोल आकार में कर लिए हैं। अब इसको काट लेते हैं चाकू से। मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिए हैं गरम होने के लिए। अब उस पे 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसको चारों तरफ फैला लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इस पे अपने नाश्ते को रखेंगे। अब नीचे के साइड से 4 मिनट तक बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको पका लेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, अब नीचे के साइड से पलट लेते हैं एक एक करके। सभी स्नैक्स को पलट लिए हैं। अब इसके किनारे के साइड से 2 चम्मच तेल गिरा देंगे कि नीचे के साइड से भी क्रिस्पी बन जाए। किनारे के साइड से 2 चम्मच तेल गिरा देंगे। अब 4 मिनट तक नीचे के साइड से सेलो फ्राई कर लेंगे। नीचे के साइड से 4 मिनट हो गए हैं, अब किनारे के साइड से खड़ा करके 1-1 मिनट तक ऐसे करके सेक लेंगे। सभी को खड़ा कर देंगे।
सभी को हमने खड़ा कर दिए हैं एक मिनट के बाद। अब एक मिनट के बाद अब दूसरे साइड से भी पलट लेंगे। एक मिनट हो गया है, अब दूसरे साइड से भी पलट लेते हैं। देखिए क्रिस्पी हो गया है, अब इसको भी पलट लेते हैं। सभी को ऐसा ही पलट लेंगे। अब सभी को खड़ा कर दिए हैं, दूसरे तरफ से भी एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो गया है, अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए पलट के भी दिखा रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है। इसी तरह सभी को निकाल लेंगे। सभी स्नैक्स को बना के एक प्लेट में तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना क्रिस्पी या कितना अच्छा बना है। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको हम हरी चटनी के साथ खाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।